कितना भरना है? फुल कर दो भैया, फुल कर दो। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। देख रहे हो भाई, मतलब व्लॉग स्टार्ट करने का टाइम पे ही दिक्कत दे रहे हैं अंकल जी भी। एनीवेज, इसकी ना भाई यहाँ पे जो ग्रिप होती है ना, वो ग्रिप निकल गई है यार, लेकिन तो उससे ना थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। फ़ोन फिसल रहा है मेरा, तो उस वो ग्रिप लानी पड़ेगी यार शायद से। ज़्यादा कुछ नहीं, कॉस्टली क्या भाई, 2-5 रुपये में भी मिल जाएगी वो, लेकिन जाने के लिए टाइम मिलना चाहिए भाई। ये ग्रिप है ना, कसम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसी के बेस पे फ़ोन अटका हुआ रहता है और वो नहीं रही, फ़ोन सीधा गिर जाता है। मेरा 2 बार गिर चुका है, लेकिन अच्छा था कि मैं घर पे था, मतलब मेरे बेड पे शूट कर रहा था, ऐसे जस्ट बैठा हुआ था तब, वरना भाई लग जाने थे मेरे। एनीवेज, मैं अभी मस्त नहा धो के रेडी हो गया हूँ, और आज हमारा फिजिकल टेस्ट है भाई कॉलेज में, तो वहाँ पे जाना है। एक दिक्कत है भाई, वहाँ पे ना शूट करने की परमिशन होती नहीं है, तो चोरी छुपे अगर कुछ होता है तो ठीक है, वरना फिर एंड। चलो फटाफट अंदर अंदर रेडी होते हैं निकलने के लिए। तो चलो अभी फ़िलहाल मस्त मैं नहा धो के, सॉरी रेडी तो रहा तो लिया था मैंने, बाल वाल सेट कर लिए और बैग वैग पैक करके रेडी हूँ मैं। और उन्होंने भाई मतलब फुल ऐसा आज ये है हमारा फिजिकल टेस्ट, तो उसके हिसाब से टी शर्ट, नीचे पैंट, वो भी मतलब ट्रैक पैंट और शूज़ बोले थे। मैंने सभी के सभी चीज़ें परफेक्ट डाली हुई है भाई, मतलब मुझे डांट पड़ने के कोई चांसेस है नहीं उनकी तरफ से, वरना बहुत डांटते भाई वो लड़के। जो अगर गलती से जीन्स पैंट पहन के आ जाए ना, बहुत डांट पड़ रही थी वहाँ। लास्ट डे मेरे ही फ्रेंड को पड़ी, इसलिए मैं सब कुछ पहन के जा रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, साथ में बैग में सब कपड़े भी ले जाके जा रहा हूँ, बिकॉज वहाँ से क्लास भी जाना है, इसमें थोड़ी ना जाने वाला हूँ मैं। अपनी स्कूटी मस्त बाहर खड़ी है, चलो। सो भाई लोग, चलो फाइनली मैं कॉलेज के पास पहुँच गया हूँ भाई। ये हमारे कॉलेज की बॉर्डर है, ये जो देख रहे हैं ना, हमारे कॉलेज की बॉर्डर। तो चलो मैं ऑलमोस्ट पहुंच ही गया हूँ, फटाफट से चलते हैं भाई। और कॉलेज में तो मुझे कुछ भीड़ दिख नहीं रही है, देखते हैं वहाँ जाके क्या सीन बनता है क्या नहीं। और शूट करना बिल्कुल, मेरे को मतलब लड़कों ने बताया अगर शूट करा तो मार पड़ेगी भाई, उससे अच्छा रहने दो। सो भाई लोग, फाइनली अभी फ़िलहाल हमारी क्लासेस वासेस ख़त्म हुई हैं और मैं जा रहा हूँ भाई घर पर। और हाँ, आपको एक बात बतानी थी भाई, एक प्लान के बारे में बताना था जो कि सक्सेसफुल होने वाला है, उसके मतलब फेल होने का कोई चांस है ही नहीं। जिन जिन लोगों को याद होगा कि 5 जनवरी को मेरा बर्थडे है, लास्ट शायद सही पता होगा, बहुत से कम लोगों को पता है। तो वैसे भी तो मैं हर साल बर्थडे सेलिब्रेट अच्छे से करता ही हूँ, लेकिन इस बार मेरा प्लान थोड़ा सा चेंज है। तो मैं बर्थडे सेलिब्रेट करूँगा, लेकिन भाई घर पर नहीं करूँगा, मतलब जलगाँव में नहीं करूँगा, मुझे मेरे दादा दादी जी के साथ करना है। तो मैं जाने वाला हूँ घर, लिटरली 2 या फिर ढाई साल से तो ऊपर हो ही गया होगा आराम से, 2.5 साल के बाद मैं मेरे गांव जाने वाला हूँ मेरे इस बर्थडे पे। तो आई थिंक सो नेक्स्ट वीक तक तो हो जाएगा, संडे या फिर नहीं, संडे नहीं भाई, आई थिंक सो थर्सडे या फिर वेनसडे को जाएंगे हम। 5 तारीख को मैं जाऊँगा बर्थडे सेलिब्रेट करके, दूसरे दिन रिटर्न आना है मुझे, बिकॉज हमारा प्रोजेक्ट का जो काम है वो लास्ट काम होगा 7 तारीख को, 7 जनवरी, तो जल्दी आना पड़ेगा। सो भाई लोग, अभी फ़िलहाल जस्ट मैं नींद से उठा हूँ भाई, अभी मतलब थोड़ी देर पहले ही उठा भाई। मैं लेके क्या जाऊँ, फ्लिप फ्लॉप भी तो गीले कर रखे हैं इन्होंने यार, सैंडल लेके चलता हूँ। एनीवे छोड़ो, आह भाई साहब, मतलब फुल थक गया हूँ यार, मेरे को नींद आ रही है, मुझे नींद से उठाया है इन्होंने अभी। मेरी फुल बॉडी पेन कर रही भाई, मेरे को ये अच्छी बात नहीं लगती बिल्कुल, बिकॉज अगर मैं दिन में एक आध बार सो गया और हाफ नींद लेके अगर उठा ना, तो मेरी फुल बॉडी में पेन होने लगता है, और फिर वो कंटिन्यूसली चलते जाता जब तक मैं सोता नहीं फिर से। अब शाम रात तक ऐसे ही घूमना पड़ेगा मुझे। वैसे अपनी बाइक वहाँ पे है, हमें अभी जाना है हॉस्पिटल, मम्मी जी को लेके जाना है भाई, मैं और निशा दीदी जा रहे लेके। और हाँ, 31st की पार्टी सब डिसाइड हो गई है भाई, प्लानिंग वैलिंग चल रही है, उसके साथ काफ़ी सारे कॉल्स आ रखे हैं मुझे, जो कि मैंने उठाई नहीं, बिकॉज मैं नींद में था। अभी जस्ट चेक कर रहा भाई मेरे में, तो सबको कॉल करके देखता हूँ क्या क्या सीन है क्या नहीं, उसके बाद आप सबको बताता हूँ। लोग, अभी फ़िलहाल मेरा मस्त खाना वाना हो गया था, और मैं अभी जा रहा हूँ भाई वैभव के साथ बाहर, थोड़ा सा काम था वो बताते हैं। रुको भाई, इससे स्टैंड नहीं निकल रहा है कसम से, और गाड़ी लेके घूमते तो भाई मुझसे भी नहीं निकल रहा है। तो अरे स्टैंड है किधर, हाँ
हो गया स्टार्ट किया वीडियो चालू थे। सो भाई लोग कल है ना वैभव और उनकी ना एक मस्त क्लास की ट्रिप है, साइकिल ट्रिप ट्रैकिंग के लिए ले जा रहे हैं इनको। तो इसकी साइकिल देखो भाई पूरी फुल हालत ख़राब रखी, टायर मतलब पंचर वंचर सब, गियर और ब्रेक की भी थोड़ी दिक्कत है, तो वही सब अब रिपेयर करने के लिए लेके जा रहे हैं। सो भाई लोग अभी फ़िलहाल हम लोग पहुँचे थे भाई मार्केट में महावर, लेकिन भाई दुकान वुकान सब बंद है, गैरेज वैरेज भी बंद है। अब इसका करना क्या है, इसको ऐसे पकड़ के तो ले आए हम पीछे, रिटर्न ले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है भाई। लाते लाते इतने हाथ देख रहे हो, मेरे हाथ में छाले पड़ गए। इसका करे भी क्या भाई, वही समझ में नहीं आ रहा है। अभी सोचते हैं इसका क्या करना है। वॉल पिन एकदा चेक करूंगा इसे मार्कशीट, प्रेशर नहीं बना गया। अरे त्याच्यातला प्रेशर बनत नहीं है। चालतच नाही, भरतच नाही हवा। हवा जाते कुठे, भर लेना रे। सो भाई लोग वैभव अभी जस्ट गया साइकिल का चक्कर लेने के लिए, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ भाई स्कूटी के पास। बड़ी मुश्किल से हवा भरी है भाई, बहुत हालत ख़राब होती है। मेरी उंगलियाँ देखो, हाथ देखो भाई मेरे कितना ख़राब हो रखा। तो चलो वैभव राउंड लेके आ गया, अब मैं जा रहा हूँ भाई। और वैसे तो अभी भी स्मूथ ही चल रही है, और हवा की भी शायद से कोई दिक्कत नहीं दिख रही मेरे को। हाय 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 मस्त चलती भाई। कब कुछ मतलब शायद से डेढ़ या फिर दो साल पहले ना हम इन्हीं साइकिल्स पे, इस पे और मेरे धन्नो, इनको ना ऐसे राउंड मतलब ग्रुप में ऐसे घूमने जाते थे हम साइकिल में पकड़ा पकड़ी, बहुत सारे गेम्स खेला करते थे भाई। पत्थरों के ऊपर से कुदा कुदा के हम उनको स्टंट बोला करते थे, लेकिन बहुत मज़ेदार हुआ करते थे भाई वो दिन। लेकिन अब किसी के पास टाइम नहीं है, मैं ज़्यादा ही दूर आ गया भाई, पलटो मेरे को वैभव के पास जाना है। वो भाई खड़ा है मेरे वेट कर रहा है भाई। हाँ वैसे भी उसको कल ये लेके जानी, इसलिए हम इतना ये कर रहे भाई, वरना तो कितने दिनों से घर में ही पड़ी है ये साइकिल, कोई नहीं उठाता, देखता भी नहीं इसके पास, क्योंकि सब के सब स्कूटी बाइक सब यूज़ करते हैं आजकल। किसी को अच्छा नहीं लगता साइकिल पे जाना। यानी यहाँ पे मेरी धन्नो मस्त ठीक होके पड़ी हुई है घर में, लेकिन मैं उसको भी नहीं यूज़ करता। सोचो भाई कितना भरना है। फुल कर दो भैया, फुल कर दो, थोड़ा ना 150 रुपया लगेगा, तेरा घर जाएगा उसमें ब्रो। Here you can add meme. हो गया? हो गया, पेमेंट हो गया। फुट से अपन मारूंगे ना? ना आपको, ना आपको। फुट से बराबर फुट से चलना होगा। एक एक तुमका हम पेमेंट दे रहा ना, तुम क्यों ज़्यादा उछल रहा? You on your own risk. पुश करने लगे, काट 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 बस। ना मैं अच्छी प्रैक्टिस भी हूँ नहीं मैं चला के ले जाऊँगा भाई साइकिल करके। लोग बाइक्स के लिए झगड़े कर रहे हैं, हम साइकिल के लिए कर रहे हैं।